कहलाए। मन ही चांदी मन ही सोना, मन के रूप हजार, मन का भेद ना जाने दुनिया क्या क्या खेल दिखाए तोरा। अब अगर आपके पास पैसा है तो आप अपने पति की जमानत के लिए खुद कोशिश क्यों नहीं करती, क्यों नहीं कोशिश करती उनको बचाने की? इंसान का मन ही उसका दर्पण होता है, और जब इंसान अपने मन के दर्पण में झांक कर देखता है तो उसे अपनी गलती का एहसास होता है। हम तो उस दिन का इंतजार कर रहे हैं कि कब अंबिका दी को अपनी गलती का एहसास हो। अच्छा, आप एक बात पूछूं? आप मामा जी के बारे में बात कह रहे थे, तो उनसे आपकी क्या बात हुई थी? मामा जी से बस यही पता लगा था कि अंबिका मौसी फिर कोई साजिश में लगी हुई है। कैसी औरत है वो, दुनिया पता नहीं कहां की कहां पहुंच गई, और वो अभी तक उन्हीं चीजों में अटकी हुई है। छोड़िए, जाने दीजिए। मामा से ये बात जानने के बाद भी ना मां को बहुत दुख हुआ था। अंबिका मौसी की नजर इस घर पर नहीं बल्कि तुम पर है। तो आप माँ जी से बात कीजिए ना। तुम्हें पता है ज्योति, जिन लोगों के दिमाग में ये बातें होती है ना उन्हें समझाना बहुत मुश्किल होता है, और न जाने ऐसे कितने लोग हैं कि उन्हें समझाना बहुत मुश्किल है। अब पता है मेरे मना करने के बाद भी मामा ये पता लगाने गए हैं कि अंबिका मौसी किस फिराक में बैठी है। माँ, शाम हो गई है पर भाभी अभी तक आई नहीं है। सही कह रही है तू, 7 बजने को आए पर अब तक महारानी पता नहीं कहाँ है। ज्योतिषी के यहाँ कहकर गई थी, पता नहीं कहाँ रह गई। माँ, आप ना मानो या ना मानो मगर भाभी के कदम घर से बाहर निकल चुके। अब चाहकर भी आप उन्हें रोक नहीं सकती हो। अब ऐसे में गांव वाले तो आप पे उंगली उठाएंगे, बदनामी तो आप ही की होगी ना इसमें। माँ तो सही कह रही है, बदनामी तो मेरी ही होगी, पर ये बदनामी इतना बर्दाश्त नहीं कर सकती। नहीं नहीं, ये बदनामी मैं नहीं होने दूंगी। आप क्या कर सकती हो उसमें? आपने ही तो कहा था खेत खलियान गोदाम सब जगह जाने की इजाजत तो आपने दी है, यही तो गलती कर दी है आपने माँ। अरे दामाद जी, आप तो कुछ देखो, आप ही का दोस्त है वो जगन, अभी तक आया क्यों नहीं? अरे, अभी तक तो आ जाना चाहिए था, उन्हें आते ही होंगे। लीजिए, आ गए। कहाँ थी तू अब तक, कहाँ मुकाला करवा के आई है बोल। मैं आप लोगों को पहले भी बोल चुकी हूँ कि मुझे जानना है मेरे पति की रिहाई कब होगी। आप लोग ऐसे घर में बैठ सकते हैं लेकिन मैं नहीं। क्या कहा, हम लोग घर में बैठे मुझसे जुबान लड़ाएंगे? मुझसे जगन पानी दो। माँ, ये क्या किया आपने? भाभी तुम्हारी, मेरा बच्चा। भाभी पानी पीजिए। भाभी 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 ये क्या किया आपने? कैसी औरत है आप? आप तो इंसान कहलाने लायक ही नहीं है। जिस औरत की सोच इतनी घटिया हो, इतनी गिरी भी हो, जो दूसरों के बच्चों को इस दुनिया में आने से रोकना चाहती हो, उसका यही अंजाम होता है। आप चाहती थी ना कि उनका खानदान वीरान हो जाए, लेकिन आज आपने अपने ही हाथों से अपने खानदान को वीरान कर दिया। बुझा दिया अपने हाथों से अपने खानदान के चिराग को,
अब दुनिया ये नहीं कहेगी कि उनका खानदान शापित है, बल्कि ये कहेगी कि आपका खानदान शापित है, क्योंकि आपके खानदान में आप जैसी औरत है। लानत है। अरे बस करिए, चलिए चलिए अस्पताल लेके चलिए। भाभी उठो, भाभी भाभी उठिए, अभी हिम्मत करिए, उठिए उठिए भाभी उठिए, आराम से भाभी आइए। चलिए अम्मा जी, चलिए चलिए हॉस्पिटल चलिए। अरे कामिनी, बहू को क्या हुआ? मौसी जी, भाभी फिसल कर गिर गई और उनका बच्चा भी नहीं रहा। मौसी जी, क्या मौसी? हे भगवान, कैसा अनर्थ कर दिया उसके साथ। वो तो वैसे भी अपने पति की गलतियों की सजा भुगत रही थी और पति के होते हुए भी एकाकी जिंदगी बिता रही थी। उसने सिर्फ अपने बच्चे की ही आस लगा रखी होगी और आज वो भी टूट गई। मौसी जी, अंदर भाभी का ट्रीटमेंट चल रहा है, तुम हिम्मत रखो। माफी चाहती हूँ, उस बच्चे को कोई भी नहीं बचा सकता था, मैं भी नहीं बचा पाई। पर पद्मा खतरे से बाहर है, आप लोग उसकी कैसे देखभाल करते थे? कम से कम ऐसी हालत में तो थोड़ी सी तो केयर करनी चाहिए थी आप लोगों को। तो संभल जाइएगा दीदी, ये सब क्यों हुआ है और किसकी गलतियों की वजह से हुआ है ये सब अच्छे से जानते हैं। लेकिन बहू के साथ जो कुछ भी हुआ उसका हम सबको दुख है। वैसे भी औलाद को खोने का दुख क्या होता है, हमसे बेहतर कौन समझ सकता है। में जाऊंगी हाँ। और आपका बदला मैं लेके रहूंगी, आपके एक एक आंसू का जवाब मैं उनसे लूंगी। माँ
मुझ पर विश्वास करो, मैं उस घर में एक भी खुशी का पल बनाने नहीं दूंगी उन लोगों को। आपके आंसू का और आपके तड़प तड़प के जीने का बदला मैं लेके रहूंगी माँ, लेके रहूंगी। आप संभालो खुद को। भाभी भाभी कहाँ हो अब? नीचे आइए ना, आके गिफ्ट ले लीजिए। तोरा मन दर्पण कहलाए। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह, समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। मौसी जी नमस्ते। कैसे हैं मौसी जी आप? अरे कामिनी तुम इतनी सुबह सुबह यहाँ? हाँ मौसी जी, माँ ने बहुत ही जिद करके इतनी सुबह सुबह मुझे यहाँ आपके पास भेजा है। मौसी जी एक बात कहूँ, ज्योति भाभी ने मेरी भाभी की जान बचा कर ना हम पे तो बहुत ही बड़ा एहसान किया है, बस उसी का आभार व्यक्त करने में यहाँ आई हूँ। आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। आपको पता है मौसी जी, माँ ना सारी रात बहुत रोई। अब तो मुझे ऐसा लगता है कि उन्हें सच में उनकी गलतियों का ना पछतावा हो रहा है मौसी जी। तभी तो माँ ने मुझे यहाँ भेजा है गिफ्ट लेकर आपके पास। अच्छा मौसी जी, भाभी कहाँ है? उन्हीं के लिए तो मैं गिफ्ट लेकर आई हूँ, तो दे दो क्या उन्हें गिफ्ट? हाँ बेटा, आप बहू ऊपर अपने कमरे में जाओ, जाकर मिल लो। मैं देख कर आती हूँ जी। भाभी क्या है ना कि मुझे तुरंत घर जाना है, माँ को मंदिर जो ले जाना है। अरे भाभी, माँ ने है ना मुझे खास तौर पे कहा है ये जो गिफ्ट है ना बहुरिया को ही देना, तो आई ना। मुझे देर हो रही है, आप जानती हो ना कि मैं देर हुई तो माँ मुझे बहुत डांटेंगी। अब नीचे आइए ना, आके गिफ्ट ले लीजिए। अब भाभी इतना क्या सोच रहे हो, आओ मुझे जाना है। नमस्ते बुआ जी। नमस्ते नमस्ते, आओ ना ऊपर। नहीं नहीं, भाभी आ रही है ना। अच्छा धन्नू बुआ। अरे हड्डी वड्डी तो नहीं टूट गई बुढ़ापे में? उठिए बाबूजी, तुम बता ना सिर पे तेल गिरा है, तुम्हारा पाँव फिसल जाएगा। आराम से आराम से आराम से। चोट तो नहीं लगी गई? हाँ मैं ठीक हूँ, ठीक हूँ भाभी, मैं ठीक हूँ। ये क्या, ये तेल, तेल कहाँ से आया? पता नहीं भाभी, सीढ़ियों पे तेल था। क्या सीढ़ियों पे? हाँ माँ जी, तेल तो उनके हाथ में भी लगा हुआ है। क्या बकवास कर रहे हैं, मेरे हाथ में कहाँ से तेल आया? मामी जी देखना। मैंने कहा ना चुप हो जा, कुछ भी बोला जा रहा तू। Thank you.
कुछ नहीं है मेरे हाथ में। तेल कहाँ से आया? अरे होगा तो आएगा ना। अरे बैग, अरे क्या मेरा बैग खोल के देख रहे हो? कुछ है ही नहीं ना। क्या है ये? इसलिए भाभी भाभी करके आवाज दे रही थी ना ज्योति को, इसलिए नीचे बुला रही थी। शरम कामिनी, आखिर तू भी अपनी माँ जैसी ही निकली ना। लानत है तुम दोनों माँ बेटी पर, बिल्कुल एक जैसी। इस पर भरोसा करके गलती कर दी हम लोगों ने। तुम्हें तो घर के अंदर ही नहीं घुसने देना चाहिए था। तुम्हें क्या लगा कि सीढ़ियों पर तेल गिरा देंगे, बहू रानी का पांव फिसल जाएगा और वो गिर जाएगी और उसका बच्चा भी? बोल बोलना, यही सोचा था ना तुमने? तू खड़ी है, जवाब दे। हाँ हाँ, मैं यही सोच के आई थी, यही सोच कर आई थी मैं। मैंने मेरी माँ को रोते हुए देखा है, हर वक्त तड़पते हुए देखा है। आप लोग यहाँ खुशियां बनाए, मेरी माँ बाप गुट गुट के मरे, मैं कभी बर्दाश्त नहीं करूंगी मौसी जी। और मुझे जब भी मौका मिलेगा, मैं आपकी खुशियों को यूं ही आग लगाने आऊंगी। याद रखना मेरी बात को, यूं ही आऊंगी मैं। निकल जा, इसी वक्त हमारे घर से बाहर निकल जा। सुन रही है? और सुन, हमारे घर की दहलीज की तरफ देखने की कोशिश भी मत करना, निकल बाहर। अरे खड़ी खड़ी देख क्या रही है, निकल बाहर। भाभी, अब हम लोगों को बहुत सावधान रहना पड़ेगा। और बहुरिया की बहुत बहुत हिफाजत करनी पड़ेगी। नहीं, कुछ नहीं होगा हमारी बहुरानी को, और कुछ नहीं होगा इस खानदान के आने वाले चिराग को, क्योंकि वो ईश्वर का वरदान है और ईश्वर के वरदान का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये बच्चा दुनिया में आएगा, जरूर आएगा। मामी, ओह बहुरिया, क्या हुआ? बहुरिया ठीक तो हो तुम? अमर बेटा, भाभी, दीदी, मन दर्पण कहलाए। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज? कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। तोरा मन दर्पण कहलाए। Thank you.
धन्नो बुआ, माँ जी, मामी, ओह, बहुरिया, क्या हुआ? बहुरिया ठीक तो हो तुम? अमर बेटा, मामी, दीदी, ठीक तो है बेटा? अमर, अमर बहुरिया को लेबर पेन हो रहा है, हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। मम्मी कहाँ है? मैं पंचायत। चल 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 चल, भाभी को फोन कीजिए। इतना परेशान मत हो सावित्री, भगवान ने चाहा तो सब नॉर्मल होगा। लेकिन हमारा दिल अभी भी बहुत घबरा रहा है। अमर बेटा तू जाकर देखना बहू कैसी है। माँ सब कुछ ठीक है, अंदर डॉक्टर है ट्रीटमेंट के लिए, अगर जरूरत पड़ेगी तो मैं अभी जाऊंगा। अब घबराइए मत, कोई सिजेरियन की जरूरत नहीं पड़ेगी। अपने मन का ये भय दूर करो सावित्री, अब तो बच्चे की आवाज सुनने के बाद ही माँ के मन का डर दूर होगा। पापा जी, ज्योति कैसी है? चिंता की बात नहीं है मम्मी, ज्योति अच्छी है। कांग्रेचुलेशन डॉक्टर साहब, आपको बेटा हुआ है। बेटा? अब हमारी नेक दीजिए। अरे कुछ भी हरी, ये लो सबको बांट देना। हाँ वैसे आपकी बहू भी अच्छी है। थैंक यू सर, बाय। बधाई हो सुमधन जी। आपको भी बहुत बहुत बधाई हो। माँ सबसे पहले आपको बधाई, दादी बन गई आप और आप दादा। डॉक्टर अमर कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू। अमर बेटा तू तो जानता है ना कि आज हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन है। हमारी बहू ने हमारे खानदान से श्राप मिटा दिया और कोई नहीं कहेगा कि हमारा खानदान श्रापित है। अरे आप क्या बातों में फंस गई, ये सारी बातें क्यों दिल पे लगा रही है? ये सब बातें छोड़िए। अरे गणेश जी का आगमन हुआ है, जश्न मनाइए, चलिए खुशियां मनाइए, चलिए। कितने महीनों के बाद बाहर की ताजी हवा मिलेगी, अब तो हमारे गांव वालों की खैर नहीं। अपने दुश्मनों की कोई भी कसर छोड़ेंगे नहीं। अगर आने वाला वक्त हमारा है तो हमारे गांव वालों को हमसे भगवान ही बचाए। Ha ha ha.